और रामपुर से इसी बीच बड़ी खबर है, इंटर कॉलेज में छात्रों का हंगामा। हॉस्टल में छात्रों ने खुद को कैद कर लिया है और स्कूल प्रशासन की व्यवस्था से छात्र नाराज हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। मौके पर एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं। बड़ी जानकारी रामपुर से आपके सामने है, इंटर कॉलेज में छात्रों का हंगामा देखा गया है, हॉस्टल में छात्रों ने खुद को कैद कर लिया है, ये बड़ी जानकारी मिल रही है। इस वक्त स्कूल प्रशासन की से नाराज हैं ये लोग, ये छात्र, ये बच्चे, और जिसके बाद इस तरीके से खुद को कैद कर लिया है छात्रों ने। मौके पर एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट पहुंचे हुए हैं जो समझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। स्कूल प्रशासन की जो व्यवस्था है यहाँ पर उससे स्कूली बच्चे नाराज हैं। कैद रही है इन्होंने, अपने आप को खुद ही अंदर से ताला लगा लिया है। जी क्यों लगाया, क्या कारण है? कोई जानकारी नहीं, कोई बता ही नहीं रहे। कोई बात, सुबह योगा करने के लिए बाहर आए हैं, सभी बच्चों ने योगा किया है, उसकी योगा शिक्षक ने योगा कराया है, उसके बाद नाश्ता लेने गए हैं, उसके बाद स्कूल नहीं आए हैं। जब घंटी लगी है तब उनको बुलाने के लिए हम लोग आए हैं, तब उसके बाद से ताला लगा हुआ है। आप लोगों को देख के आप लोग उनके फोटो खींचना खींच लो, उनका नाम पहचान ना हो जाए इसलिए नाका बांधे हुए हैं। परेशानी किसी को कोई बताए नहीं, ये एडीएम साहब को, सिटी मजिस्ट्रेट साहब को, एसडीएम साहब को, समाज किसी को कोई परेशानी बता ही नहीं रहे भाई। अब ये तो हम बताएंगे तो आप हमारी बात मानेंगे नहीं, छात्रावास में जाके पूछिए जो जिन लोगों ने खिलवाया था उनको। जुगेंद्र सिंह, तो छात्रावास की छत पर खुद को छात्रों ने कैद कर लिया है, ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने हैं। लगातार यहाँ पर नारेबाजी भी छत से कर रहे हैं। अब हॉस्टल प्रशासन का कहना यह है कि इनको दिक्कत है कोई तो सामने आकर के बताएं, लेकिन ये बताने को राजी नहीं है, लगातार नारेबाजी वो कर रहे हैं और अपने आप को इन्होंने इस तरीके से कैद कर लिया है। बड़ी जानकारी और छात्रों की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि इनको नाराजगी है प्रशासन से, स्कूल प्रशासन से, जिसकी वजह से ये गुस्से में आकर के इस तरीके से कदम उठाने को मजबूर है। रामपुर से बड़ी जानकारी है, इंटर कॉलेज की छत में छात्रों ने खुद को कैद कर लिया, बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर हैं और खबर ये स्कूल प्रशासन की व्यवस्था जो यहाँ पर चल रही है उससे इनकी नाराजगी है, उससे नाराज हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, एसडीएम सिटी मजिस्ट्रेट मौके पर पहुंचे हुए हैं जो लगातार जानने की कोशिश भी कर रहे हैं, बच्चों को समझाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि असल में जो मसला है, जो परेशानी, जो दिक्कत आपकी है वो आकर के बताएं। इस तरीके से खुद को कैद कर लेने से, नारेबाजी करने से समस्या का हल नहीं होगा, ये बताने की लगातार कोशिश हो रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं इंटर कॉलेज की, जिसकी छत पर छात्रों ने खुद को कैद कर लिया है। ये तस्वीर आपके सामने है, रामपुर से इस वक्त लगातार गुस्से में है। और इसी पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथी रवि जुड़ चुके हैं। रवि, अभी क्या स्थिति है वहां पर, मौके की जरा बताएं, और छात्रों की तरफ से जो नाराजगी है उसको लेकर स्कूल प्रबंधन क्या कुछ बता पा रहा है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से छात्रों की जो नाराजगी थी वो खाने की समस्याओं को लेकर के थी, यहाँ पर जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको लेकर के थी, तो फिलहाल उनका ये कहना था कि जब तक डीएम यहाँ पर नहीं पहुँच जाएंगे, उनसे बात नहीं बता देंगे, तब तक वो इस तरीके जो प्रदर्शन है वो बंद नहीं करेंगे। फिलहाल डीएम यहाँ पहुँच चुके हैं और उनसे छात्र बात कर रहे हैं, और अब डीएम ने ये आश्वासन दिया है कि जो भी समस्याएं हैं छात्रों की उनको जल्द से जल्द निस्तारित किया जाएगा। चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका रवि पूरी जानकारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।